हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी हम वैसे तो आप सबको हैप्पी लोरी, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा लोरी का सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज हमारी सोसाइटी में सेलिब्रेशन हो रहा है। हम भी जाएंगे, तो वैसे तो हर बार इन्वाइट होते ही है, मिलजुल के करते हैं पूरी सोसाइटी अच्छे से। तो अभी बस तन्नूर में जा रहे हैं सामान लेने, और उसके बाद ये मेरे बाल फिर से उठने शुरू हो गए हैं, और मतलब अच्छा है। अभी डेकोरेशन वगैरह हो रही है, मतलब डेकोरेशन नहीं, वो जो सॉरी नहीं, जैसे खाना वगैरह भी है ना, खाने का तो छोटी सी पार्टी भी है, डिनर वगैरह भी होगा वहाँ पे। तो तन्नू तो फर्स्ट टाइम जाएगी, देखो मैं बता दूँ तो, और क्योंकि ये कभी गई नहीं है, मैं ही गई हूँ, तो मैंने धक्के से मैंने इसका नाम भी करवा दिया। चलो मैंने कहा चला आज ये भी चलेगी अच्छे से, तो इसको भी लेके जाऊंगी। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी ना बाहर की क्या क्या हो रखा है, क्या क्या अभी नहीं लगा। हाँ, जब हम रोन को घुमाने के लिए गए थे ना, तो वहाँ प्रिपरेशन हो रही थी, तो अभी हम चलते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अगर मेरी थोड़ी सी शक्ल उजड़ी हुई लगे तो चलिए। मम्मा आ रहे हैं अभी हम जी ना, कुछ नहीं तो मैं ये बता रही थी, वैसे तो हमने पहन, देखो मैंने तो वापस से अपना वही फेवरेट वाला नाइट सूट पहन लिया, क्योंकि मेरे को तो ठंड लग रही थी भाई, मैंने तो पहन लिया यही वाला नाइट सूट। और मैं ये कह रही थी हमने ना वैसे पहने थे सूट पहने थे, वो अभी कुछ मतलब डिसाइड नहीं किया कि क्या पहना है। वैसे तो सच बताओ तो अभी डिसाइड ही नहीं किया कि क्या पहना है क्या नहीं पहना, बट देखते हैं जो भी लगेगा। मेरा तो मन है जींस टी शर्ट या टॉप कुछ भी ऐसा पहन के चले जाऊँ, ठंडी चली जाओ मैं चली भी जाती हूँ। चलो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। सो एक तो हो रहा है यहाँ पे बीच रोड पे प्रिपरेशन, एक तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है और एक दूसरी साइड पे हो रही है डोली। हाँ। दो ग्रुप है, दो ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप में हो रही है, तो हम इससे आगे वाले ग्रुप में जाएंगे। अभी वो भी दिखाते कहाँ जाते हैं, खाते हैं, सही लगा रखी है ना। हाँ, बट इन्होंने ना बीच रोड पे लगा दी है। डोली की टीम की तैयारी हो रही है इधर। ओ डोली यहाँ पे भी हो रहा है, ये तो पूरा प्रोग्राम नहीं, वो देख ना हो रहा, यहाँ पे डांस वगैरह का भी है सारा का सारा, तो यहाँ पे होगा अच्छे से सारी जगह। तुझे सब्जी भी लेनी है, देख लेंगे यार आपसे ना, और एक लूगी आपसे भी अगर लेनी होगी तो ले भी लेगी ना, एक आधी सब्जी ले लेगी। वैसे तो गोभी पड़ी है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, आज तो क्या इधर से आगे ही है। अच्छा, ज्यादा दूर थी। हाँ चलो कोई नहीं, इस साइड से भी जा ही सकते हैं। वो खुली हुई है। अच्छा, हमने तब भी देखी थी, मेरे को लगा अभी नई खुली है। नहीं, ये तो तब की है ना, पहले की है, हमें भी ओरिजिनल लग रहा है। नॉर्मल मूंगफली गज्जक और फूल ले लेने हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इधर ही है लगा हुआ। अच्छा, अंदर भी सेम ही से देख लेते हैं। कौन से सकते हैं? गुड़ वाली ले लेती हूँ, और जो पैकेट वाली है, पैकेट वाली नहीं है। अच्छा, पैकेट ये गुड़ वाली फिर ले ले जाऊँ, फिर लेने ठीक है। और ये नारियल के लड्डू बड़े बड़े, ठीक है। जो माधवी जैसे और ये कहती है, ये 80 रुपए की है, 400 ग्राम है ये 60 रुपए की है, 300 ग्राम है। अच्छी बनती है, दोनों बढ़िया है। ले लिया ना? हाँ बस, अब और कुछ हो तो बता। नहीं, यही है। ये खजूर के क्या? हाँ खजूर, खजूर खजूर अंदर ही है। चला दे, कितने हो गए? तो अभी हमने ले लिया है थोड़ा सा सामान और जा रहे हैं घर, क्योंकि देखते हैं अगर अभी हमें सब्जी लेनी होगी तो ले लेंगे, नहीं लेनी तो आगे चलते हैं। मैंने भी करवानी थी अगर सही बताऊँ तो, सोच तो सोच तो रही हूँ मैं भी, क्योंकि आईब्रोस आई हुई है मेरी भी, करवानी दर्द होगी यार। मैं नहीं करवा रही, फिर तू ही करवा ले, बाद में करा लेंगे। मेरा यार अभी मेरा मन नहीं है यार,
ओह कंचन दी का कॉल आ गया। हेलो स्नैक नहीं इधर से आ जाओ ना। और यहाँ पे नेटवर्क हो रहा है। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर पर। अभी तो कहाँ पहुँचे, अभी तो पहुँच रहे हैं। हाँ वही पहुँच ही रहे हैं। बाहर ठंड लगी तुझे? ठंड लगी बाहर तो नहीं लगी, ठंड अंदर भी हाँ खुल गई। हम लिफ्ट का यूज़ नहीं करते क्योंकि डोली टाइम क्या हुआ होगा पर पता नहीं, मेरे पास फोन है तो 5 बजे हैं और 6 बजे बोला था इन्होंने उसके लिए ना खाना। हमने भी आज राजमा चावल बनाए थे एक्चुअली। हाँ ओए आज अभी आज अंदर मम्मी ले आए। हम तो जल्दी जल्दी होकर आ ही गए, 10 मिनट में आ गए आज हम। हाँ। पहली बार जल्दी आए, हम कुछ भी नहीं लेकर आए ना। फिर हम कुछ ज़्यादा खास नहीं लेकर आए, फटाफट जो भी सामान था वो लेकर आ गए। वैसे तो जो हमने उस अंदर पे करा है ना तो उन्होंने ले ही रखे ये सारा सामान। हाँ हाँ वही मैं सोच रही थी कि मेरे को समझ नहीं आया कि तुम क्या ये लेके जाओगे। नहीं उधर ले ही रखे ना, ऐसे ही लेके जाएंगे हम तो, ऐसे ही जाएंगे ना। तो गाइज हम हो चुके हैं यहाँ पर रेडी और मैंने तो नहीं पहना सूट, ना ही तनु ने पहना कोई सूट क्योंकि सूट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ठंड इतनी है, तंग कर रही है मुझको। ओके दीदी। सो गाइज अभी रेडी हो चुके हैं और बहुत ज्यादा हाई नेक लग रहा है। तनु यार इसको थोड़ा और फोल्ड कर दें क्योंकि ना मुझे ना हाई नेक ना बहुत ही ज्यादा अनकम्फर्टेबल कपड़े लगते हैं, बट फिर भी मैं पहन के जा रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है पड़ी तो इसलिए मैंने कोई सूट वूट तो पहना नहीं है, ना तनु ने कोई सूट पहना तो हमने सोचा कि ना यही पहन लेते हैं। तो मैंने कुछ ट्राउज़र और यहाँ पे ये टॉप पहन लिया। बस अभी फंक्शन शुरू होने ही वाला है तो चलते हैं नीचे और मिलते हैं बाहर। मम्मी और तनु भी आ ही रहे हैं, आ जाओ तो मिलते हो। अभी मैं आपसे बाहर मिलती हूँ थोड़ी देर में। नहीं सेल खत्म हो गए थे तो मैंने ये सेल लग रहा था कि क्या, मुझे भी यही लगा था कि सेल का ढक्कन है, बट ढक्कन नहीं था कागज था। रोशी यहाँ पे हमारा वेट करेगा, तब तक हम होके आ भी जाएंगे। बंद कर दो मम्मी अब। पूछो आंटी से पूछो। हाँ सो आज जो मेरी फ्रेंड है वो जा नहीं रही, वो एक्चुअली बाहर गई हुई है तो इसलिए नहीं जा रहे वो। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ही चले जाते हैं। ठंड भाई फुल ठंड लग रही है इधर तो, ये देखो अभी तो मुझे लगता है स्टार्ट भी नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, आ जा। हाँ बैठ
2 hours later. वहाँ पे गई थी और वो उन्होंने जाते पकौड़े का दिया तो जाते केचप लगी सबसे पहले. सो ये वाले खा के देख दो. मैं तो खा के देखा बहुत टेस्टी है डोली है. इतने अच्छे है ना टेस्टी घुलने वाले. ये वाले खजूर अच्छे लगते हैं. वो जो एक अंदर से लेते हैं ना वो नहीं अच्छे होते. यही वाले अच्छे टेस्टी लगते हैं. मीठे है दांतों में लग रहे हैं बट थोड़े से लग रहे थे. सॉफ्ट सॉफ्ट है ना मम्मी ये वाले. सॉफ्ट है वो ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं. जो दूसरा पैकेट दे रहे थे वो बट वैसे हमें ये वाला बिना उसके होएगी वो ना बिना गीतक के. बिना गीतक के होते हैं बट ये गीतक वाले होते हैं. बट ये टेस्टी लगते हैं अच्छे होते हैं. मुझे तो अच्छे घुल जाते हैं वो. हाँ वो वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं. वो वाले तो घुल जाते हैं पूरे. वो ब्लैक होते हैं ज्यादा. तो हम लोग तो आ गए थे घर भाई क्योंकि अभी फंक्शन चलेगा काफी. पता कितनी ठंड लग रही थी. तन्नू नी को तो लग रही थी ठंड बहुत ज्यादा. मम्मी को भी लग रही थी भाई. मम्मी को भी लग रही थी. अच्छा मेरे पैर ना सुन्न हो गए थे ठंडे इतने. हाथ भी तेरे हाथ पर सुन्न हो गए थे. वो साथ वाली आंटी भी बैठी थी. वो कहती थी चल. हमने कहा हाँ चलते ही है. ये ना फिर आप बाद में चल पड़ेगी ना. थोड़ा चल पड़ेगी. चलेगी घुमाना था. इसको खाना खिला देते हैं और इसको घुमा देते हैं है ना. चल. A few hours later. एक बारी फिर बजा के देखियो एक बारी कल. हाँ मेरे अरे इनकी थोड़ी तो किसी और के घर की बैल की बजाने लग गई. सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे डिनर करने के लिए और वहाँ पे थोड़ा सा शोर वगैरह बहुत ज़्यादा है. तो एक्चुअली मैं वॉइस वगैरह मतलब किसी और की बैल बजा रही. हाँ मैंने देख लिया था तो किसी और की बैल बजा रही थी. बाकी मुझे लगता शायद नहीं है क्योंकि होते तो आ जाते हैं बैल से. भाई ठंड है. आ गए सो गाइस अभी हम लोग तो आ चुके थे घर पे. उसके बाद हमने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई. डोली फोग हो गई क्या. फोग हो रही है. और आज इतनी ज्यादा ठंड है कि हद नहीं. फोग होने शुरू हो गए. फंक्शंस चल रहे हैं बट हम तो आ गए. बहुत ज्यादा थी. दुखा भी नहीं गया. ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए हमने कहा रोन को भी घुमाना है. ऑलमोस्ट हो गई है बहुत ही ज्यादा. और नींद भी बहुत आ रही है. और ठंड में तो नींद आने लग जाती. मतलब टाइम से नींद आने लग जाती. और ये देखो कब से वेट कर रहा कब से. और आज हमने चाय भी नहीं पी शाम को. डोली वहाँ पे कॉफी पी थी. वहाँ पे कॉफी भी चाय खा. ए रोन ये तंग मत करियो बस तू. इसका खेलने का मन कर जाता है. थोड़ा सा हफ्ता देख लेते हैं ना. हाँ शांति नहीं. तो अभी हम लोग जाते हैं बस थोड़ा सा नीचे घूमने वॉक करने फिर देखते हैं. चाय पीनी है तो पिए गए नहीं तो नहीं पिए गए.